हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ स्टफ शिमला मिर्च। इसमें मैंने शिमला मिर्च की स्टफिंग के लिए एक डिफरेंट मसाला तैयार किया है जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। आप इनको लंच डिनर के साथ साथ पार्टी में भी सर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रेसिपी। स्टफ्ड शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज के शिमला मिर्च लिए है। स्टफिंग के लिए इनको ऊपर से कट करेंगे इस तरह से। इस पोर्शन को हटा लेंगे और इनके सारे बीज अंदर से निकाल लेंगे। इस तरह से सभी शिमला मिर्च को अंदर से खाली कर लेंगे। अब हम स्टफिंग का मसाला बनाएंगे। लो फ्लेम पर इस पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं एक टेबल स्पून मूंगफली के दाने डाल रही हूँ। इसको 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाएगा। 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब इन दानों को इस पैन में से निकाल लेंगे और इनको ठंडा करके छिलका उतार करके यूज में लाएंगे। पैन अभी गर्म है। इसी पैन में मैं अब एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को गर्म होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं 2 मीडियम साइज के मोटे कटे हुए प्याज ऐड कर रही हूँ, 2 हरी मिर्च मोटी कटी हुई, 10-12 कलियां लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा मोटा कटा हुआ इसमें डाल रही हूँ। अब इनको हम इसमें फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर प्याज लहसुन अदरक हमारे भुन गए हैं। ये देखिए लाइट ब्राउन कलर इनका हो गया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और ये मूंगफली दाना जो हमने पहले रोस्ट किया था, इसका छिलका हटा लिया है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसको हम एक मिक्सी के जार में पीस लेंगे। मसाला पिस गया है। अब इसको इसी पैन में वापस डाल लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अमचूर और 3/4 यानी 3/4 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर नमक। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इस मसाले में 50 ग्राम कद्दूकस किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे। अब लो फ्लेम पर इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसको स्टफिंग के लिए यूज में लाएंगे। स्टफिंग का मसाला ठंडा हो चुका है। अब इसको शिमला मिर्च में भरने के लिए काम में लाएंगे। स्पून की हेल्प से अब इसमें मसाला भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे और अच्छे तरह से मसाला भर देंगे। मसाला अच्छी तरह से भर गया। इसी तरह सभी मिर्च तैयार कर लेंगे। सभी शिमला मिर्च को मसाला भर करके तैयार कर दिया है। मसाला मैंने तैयार किया था उसमें 7 मीडियम साइज की शिमला मिर्च भर करके तैयार हो गई है। लो फ्लेम पर इस पैन को गर्म होने मैंने रख दिया है। अब इसमें मैं 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसको गर्म होने देंगे। इस ऑयल को पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला देंगे। ऑयल को गर्म होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब सभी शिमला मिर्च को इस पैन में रख देंगे। अब इसको ढक देंगे। शिमला मिर्च को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर देखते हैं। और इनके डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इसी तरह से सभी मिर्चों को हम पलट देंगे और इनको गलने तक पकाएंगे। अब इनको वापस ढक देते हैं और 3 से 4 मिनट तक इनको पकाएंगे। ढक्कन हटा करके देखते हैं। सभी शिमला मिर्च चारों तरफ से सिक चुका है। ये देखिए
अब थोड़ी देर इनको ऐसे खुले में उलटते पलटते हुए पका लेंगे। चारों तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। अब एक टूथपिक से इनको चेक करते हैं। ये देखिए बहुत आराम से टूथपिक इसमें गड़ रहा है, इसके अंदर ये सब्जी हमारी गल गई है। ये देखिए स्टफ्ड शिमला मिर्च जो मैंने स्पेशल मसाले के साथ बनाई है बनकर के तैयार हो गई है। अब इसे हम सर्व करेंगे। अब की बार जब भी आप स्टफ शिमला मिर्च बनाए मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और ऐसी नई रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।